लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को एकजुट करने में जुटे सपा मुखिया पार्टी को धार देने में जुटे हैं। अहम पदों पर नए पुराने नेताओं को बिठाया जा रहा है। जिलों में संगठन की समीक्षा हो रही है। वहीं प्रदेश कार्यालय में भी बैठकों का दौर जारी है। सियासी हलचल के बीच जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मजबूती देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बरेली में समाजवादी पार्टी गुटबाजी का शिकार होती नजर आ रही है। अलग अलग धड़ों में बटे समाजवादी पार्टी के नेता अपने अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। कोई बैठक में भीड़ जुटाकर खुद को मजबूत दिखा रहा है, तो कोई अलग कार्यक्रम करके ताकत दिखाने में जुटा है। हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बरेली के नेताओं को प्रदेश स्तर पर अहम जिम्मेदारियां देकर पार्टी की मजबूती को धार देने का प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय नेता राजनीतिक मनमुटाव के चलते अपनी ढपली से अपना ही राग अलापने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने बहेड़ी से विधायक अताउर रहमान को हाल ही में प्रदेश महासचिव बनाया है। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव को भी सपा नेतृत्व ने प्रदेश सचिव बनाकर गुटबाजी कम करने की कोशिश की है। चर्चा की सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप से भी पार्टी के कुछ नेता नाखुश चल रहे हैं। बीते दिनों सपा की वार्षिक बैठक में पूर्व विधायक सुल्तान बेग के कुछ कह देने के बाद का घटनाक्रम मीडिया की सुर्खियों में भी छाया रहा था। अलग अलग घटनाक्रम के नजारों में समाजवादी पार्टी बरेली के कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। हाल ही में 2 सितंबर को पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की जा रही थी। उधर प्रदेश सचिव बनकर लौटे नेता शुभलेश यादव का स्वागत कार्यक्रम भी IMA हॉल में आयोजित किया गया था। दोनों कार्यक्रमों के बीच जिला संगठन के नेता अलग अलग राह पर दिखाई दिए। शुभलेश यादव के स्वागत कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी नहीं पहुंचे। वहीं मासिक बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता नहीं पहुंचे। कुछ कार्यकर्ता और कुछ बड़े नेता स्वागत कार्यक्रम में पहुंचने की बात कहते हुए बैठक छोड़कर चले गए। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने शाम 4 बजे तक बैठक चलने का हवाला देते हुए कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का कारण बताया। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि आमतौर पर पार्टी की मासिक बैठक 1 से 1.5 बजे तक खत्म हो जाती है, लेकिन बैठक को शाम 4 बजे तक खींचा गया। यही नहीं, पार्टी के दूसरे प्रकोष्ठों से भी मासिक बैठक में भीड़ लेकर पहुंचने को कहा गया था। बीते दिनों प्रदेश महासचिव बनकर बरेली पहुंचे विधायक अताउर रहमान के स्वागत समारोह में भी पार्टी की गुटबाजी का नजारा देखने को मिला था। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे अताउर रहमान के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर स्वागत किया था। इसके बाद एक होटल में स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान भी कई बड़े नेता नदारद रहे थे। फिलहाल ताजा मामले को लेकर जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि शनिवार को मासिक बैठक पहले से प्रस्तावित थी। बैठक का समय 11 बजे से था और स्वागत कार्यक्रम 1 बजे रखा गया था। पहले समस्याओं पर बात हुई और इसके बाद विधानसभा अध्यक्षों ने अपनी बात रखी तो बैठक लंबी खिंच गई। बैठक में भी कार्यकर्ता पहुंचे और स्वागत कार्यक्रम में भी दोनों का लक्ष्य एक ही है, पार्टी को मजबूत करना। उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बने शुभलेश यादव का कहना है कि स्वागत कार्यक्रम 29 अगस्त को होना था, लेकिन पूर्व मंत्री मनोज पांडे का कार्यक्रम लगने के कारण इसको 31 अगस्त को कर दिया गया था, जिसके बाद रक्षाबंधन के कारण इसे भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद यह कार्यक्रम 2 सितंबर को रखा गया। जिला कार्यकारिणी की बैठक के मद्देनजर समय बढ़ाकर 2 बजे से कर दिया गया था। आशा थी कि जब तक बैठक भी समाप्त हो जाएगी और कार्यकर्ताओं को भी दोबारा दौड़ना नहीं पड़ेगा। दोनों ही कार्यक्रमों का मकसद एक ही था, पार्टी को मजबूत करना।